डिबाल एच, डिवालूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये रिएक्शन आपने लास्ट चैप्टर में एल्कोहल के प्रिपरेशन के लिए पढ़ा था तो जब हम इसे रिड्यूस करते हैं तो ये बन जाता है एल्कोहल सिंपल सा रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे एक ऑक्सीजन पे यानी अनसेड पोजिशन पे और यह बन गया एल्कोहल अगर यह एल्टिहाइड है तो बनने वाला प्रोडक्ट प्राइमरी एल्कोहल ही होगा एक्सेप्ट इन द केस ऑफ द के केस में मैथनॉल बनता है जो प्राइमरी एल्कोहल की कैटेगरी में नहीं आता वो मैथाइल एल्कोहल की कैटेगरी में आता है लेकिन अगर ये कीटोन हो तो ये हमने एक कीटोन ले लिया दैट इज भी हम इसी रिएजेंट से ट्रीट करें डी एच तो क्या होगा इसका भी रिडक्शन होगा और ये भी एल्कोहल ही बनेगा एच थ्री सी एच ओ एच सी एच थ्री द ओनली डिफरेंस यहां पे जो कंपाउंड बन रहा है यह है कीटोन और कीटोन से बनने वाला प्रोडक्ट है सेकेंडरी एल्कोहल जबकि पहले केस में क्या था एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से बनने वाला एल्कोहल क्या था प्राइमरी एल्कोहल दिस इज कीटोन एंड दिस वन इज सेकेंडरी एल्कोहल लेकिन अगर हम स्ट्रॉगर रिड्यूसिंग एजेंट के साथ इसे रिड्यूस करें तो एल्किन का फॉर्मेशन होगा और इस तरह के रिडक्शन बाय नेम जाने जाते हैं दैट मींस दे आर द नेम रिएक्शन तो हम पहला नेम रिएक्शन शुरू कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द क्लेमेंसन रिडक्शन सो दिस इज द क्लेमेंसन रिडक्शन अब अगर हम क्लेमेंसन रिडक्शन की बात करें तो ये है आपका कोई एल्डिहाइड या कीटोन मैं यहां पे एल्डिहाइड ले रहा हूं सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ और जब हम इसे ट्रीट करते हैं जिंक एमलगम से जेड एन एच जी इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन प्रोवाइडर एन एसिड यू कैन से जब हम यहां पे रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है इसका रिडक्शन होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है इस वजह से इस रिडक्शन में बनने वाला प्रोडक्ट एक एल्केन होता है सो so इट तो का फॉर्मेशन होता है क्लेमेंसन रिडक्शन में और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जिंक को यूज किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ मरकरी मरकरी और जिंक के मिक्सचर को हम कहते हैं जिंक एमलगम और द इमप्यूरिफाइड जिंक और इम्प्योरिफाइड जिंक क्या करता है रेट ऑफ रिएक्शन को अंडर कंट्रोल रखता है ज़्यादा इम्प्योर मेटीरियल देंगे तो इम्प्योर मेटेरियल का थोड़ा सा रिएक्शन रेट कम हो जाएगा इवन बहुत ज़्यादा नहीं होता क्योंकि जो नेचर जिंक का है वही नेचर मरकरी का भी है सो दिस इज कॉल्ड द क्लेमेंसन रिडक्शन लेकिन ऐसा ही एक और रिडक्शन है जिसके बारे में हम देखते हैं सेम प्रोडक्ट देता है सिर्फ रिएक्शन अलग है तो स्योर् उसके रिजल्ट भी अलग ही होंगे तो हम नेक्स्ट रिएक्शन देखने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द रिएक्शन इज रीमर टाइमन सॉरी इज वोल्फ किसनर रिडक्शन इज वोल्फ किसनर रिडक्शन ये है आपका कंपाउंड मैंने यहां पे इस बार कीटोन ले लिया है एल या कीटोन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं तो मैंने यहाँ पे कीटोन ले लिया है जिसे हमने हाइड्राजीन से रिएक्ट करा है टू सिंगल बॉन्ड NH2 टू एडिशन रिएक्शन होगा अमोनिया डेरिवेटिव के रिएक्शन हम लोग पहले देख चुके हैं तो रिएक्शन होगा हीट के प्रेजेंस में तो वाटर का लॉस होगा दो हाइड्रोजन यहाँ से एक ऑक्सीजन यहाँ से और बन जाएगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड एन एन एच टू एंड सी एच थ्री जब हम इसे फर्दर ट्रीट करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से इन प्रेजेंस ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल के ओ एच और एथिलीन ग्लाइकॉल तब क्या बनाएंगे यह बनाएंगे सीएच थ्री सीएच टू सी एच थ्री और साथ में नाइट्रोजन नाम की गैस निकलेगी

प्रोडक्ट की इफिशियंसी प्रोडक्ट का इल्ड उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा सो क्लेमेंसन रिडक्शन हैव द हायर इल्ड विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ द वोल्फ क्रिश्नर रिडक्शन तो यहाँ पे दोनों ही सेम प्रोडक्ट देते हैं लेकिन क्लेमेंसन रिडक्शन में प्रोडक्ट या इल्ड ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कम होते हैं जबकि पहले दूसरे में यानी वोल्फ कृष्णर रिडक्शन में इल्ड का अमाउंट कम होता है सो यू कैन से इन टर्म ऑफ द प्रोडक्ट द क्लेमेंसन रिडक्शन इज बेटर देन द वोल्फ क्रिश्नर रिडक्शन अब हम देखने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन और जब हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन एक लौता ऐसा रिएक्शन है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन अलग अलग रिएक्ट करते हैं अभी तक हमने जो भी रिएक्शन देखा चाहे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखा चाहे रिडक्शन देखा चाहे एल्कीन का फॉर्मेशन देखा या एल्कोहल का फॉर्मेशन देखा सिर्फ डिग्री ऑफ कंपाउंड को छोड़ दें जैसे रिडक्शन में एक में प्राइमरी एल्कोहल बनता था एक में सेकेंडरी एल्कोहल बनता था यानी डिग्री ऑफ कंपाउंड्स अलग थे तो सिर्फ डिग्री ऑफ कंपाउंड्स को छोड़ दें तो उसके अलावा सारी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सेम ही होती हैं यानी जो रिएक्शन एल देता है वही रिएक्शन कीटोन भी देता है कोनो कोई उसकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता नहीं है लेकिन ऑक्सीडेशन में दोनों के डिफरेंस होता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देखें हम देख रहे हैं प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन और ये है आपका एल्डिहाइड CH3CHO अगर हम इसे ऑक्सीडाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक क्रोमिक ऑक्साइड KMnO4 K2Cr2O7 समथिंग लाइक दैट तो इसका ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन होके बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ये है आपका एथेनल एक एल्डिहाइड और ये है आपका एथेनोइक एसिड यानी एक कार्बोक्सिलिक एसिड एथेनोइक एसिड लेकिन अगर यही रिएक्शन हम कीटोन के साथ कराएं सी एच थी सी एच थ्री ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा के ऑक्सीडेशन कराने की कोशिश करें तो यहां पे ऑक्सीडेशन नहीं होता है तो सबसे पहला क्वेश्चन ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होता है अगर हम इसके बारे में बात करें कि ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होता है तो यहां पर देखिए हो क्या रहा है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये वाला बॉन्ड अगर इस तरह से मैं शो करूं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है जिसके जगह पे ओ एच OH आके लग रहा है यानी ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एंटर कर जा रहा है लेकिन अगर यही काम यहां पे करना हो तो ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज करना पड़ेगा और होमो बॉन्ड्स इतनी आसानी से टूटते नहीं है कार्बन कार्बन बॉन्ड मस्ट भी और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और जब ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तो कोई दूसरा स्पेसीज लग भी नहीं सकता यानी कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता लेकिन क्या कभी भी कीटोन का ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता ऐसा भी नहीं है अगर स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लगा दिया जाए लाइक के एम फोर के ओ एच फॉलोड बाई एसिडिफिकेशन और सम ऑफ द एक्सट्रीम कंडीशंस टेम्परेचर प्रेशर की ऐसी स्ट्रॉन्ग कंडीशन बना दें जिससे रिएक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएं तो ऐसे कंडीशन में ये सिस्टम ब्रेक कर जाता है और दो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है यहाँ से अगर ये ऐसे टूट गया तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये हो गया एथनोइक एसिड और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ये हो गया एच सी ओ ओ एच यानी मेथनोइक एसिड सो अंडर जनरल कंडीशन कीटोन्स डज नॉट अंडर ऑक्सीडेशन बट अंडर एक्सट्रीम कंडीशन सोली इट अंडर गो द ऑक्सीडेशन एंड फार्मिफरेंट कार्बोक्सिल एसिड अगर हैड्रोकंडीशन बन रही है तो अगर होमो कंडीशन बन रही है दो कार्बन इधर दो कार्बन इधर तो सेम ही कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकता है बट इन जनरल द्रेक्स इन टू टू पार्ट एंड मेक्स द ऑक्सीडेशन सो इन जनरल यू कैन सेट कीटोन डज नॉट अंडर गो ऑक्सीडेशन कीटोन डज नॉट फार्म द कार्बॉक्सिलिक एसिड और ये बेसिस है एल्डिहाइड को कीटोन से डिस्टिंग्विश करने का पिछले चैप्टर में आपने देखा था दैट वाज द ल्यूकास्ट टेस्ट आइडिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के कैटेगरी में आता है इस्टिफिकेशन रिएक्शन देखा दैट वाज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द एल्कोहल कार्बिलेमिन रिएक्शन पहले चैप्टर में देखा हेलोएल्केन एंड हेलो में दैट वाज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्लोरोफॉर्म वैसी एल्डिहाइड के लिए भी ये ऑक्सीडेशन टेस्ट किए जाते हैं और जिसमें पहला और सबसे पॉपुलर टेस्ट है टॉलेंस टेस्ट तो हम यहां पे देखने जा रहे हैं टॉलेंस टेस्ट नोट करना है तो नोट कर लीजिए टॉलेंस टेस्ट में सेली एक रीजेंट की जरूरत पड़ती है और नेम ऑफ द रीजेंट फॉर द टॉलेंस टेस्ट इज कॉल्ड द टॉलेंस रीजेंट तो हम देखने जा रहे हैं टॉलेंस टेस्ट और टॉलेंस रीजेंट क्या है हम कहते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन ए जी एन एच थ्री टॉइस एंड एन ओ थ्री अगर हम इसका प्रॉपर आयू पी एस सी नाम दें तो यह है डाई एमाइन सिल्वर फर्स्ट नाइट्रेट डाई एमाइन सिल्वर फर्स्ट नाइट्रेट और इसे हम जनरली टॉलेंस रीजेंट के नाम से ही जानते हैं ये सिर्फ आपके थियोरी का ही टॉपिक नहीं है यह आपके प्रैक्टिकल का भी टॉपिक है तो प्रैक्टिकल में भी आपको टॉलेंस टेस्ट आता है और थियरी में भी टॉलेंस टेस्ट आता है तो दिस इज द टॉलेंस रीजेंट अब यहाँ पे अगर कोई हम एल्डिहाइड लेते हैं आर सी एच डबल बॉन्ड ओ प्लस ए जी प्लस हम इसे आयनिक फॉर्म में लिख दिए हैं पूरा कंपाउंड लिखने की जगह पे सिर्फ ए जी को प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में कर दिए दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए जी लेकिन ऐसे लिखने पर आपको स्पेसिफाई करना होगा कि ये टॉलेंस है तो इसके नीचे ही हम लिख देते हैं टॉलेंस रिएजेंट और जब ऐसा होगा तो सिल्वर का रिडक्शन होगा और इसका ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होने पर आपको मालूम है कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है हमने सिर्फ यहां पे कार्बोक्सिलेट आयन सोकर दिया है आर सी ओ, ओ निगेटिव और अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इसका क्या होगा इसका रिडक्शन होगा और जब इसका रिडक्शन होगा तो ये बनाएगा ए जी आपको मालूम है कि हम प्रैक्टिकल्स जब करते हैं तो हमें ग्लास के ट्यूब मिलते हैं कांच के बर्तन मिलते हैं तो कांच के यूटेंसिल पे अगर हम सिल्वर लगाएं तो उसके ऊपर सिल्वर की एक कोटिंग हो जाती है इस सिल्वर की कोटिंग को हम कहते हैं सिल्वर मिरर और इस प्रोसेस में हमें मेटेरियल को हीट करने की जरूरत होती है दिस इज द टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल डी हाइड्स अगर हम एल डी हाइड्स को टॉलेंस रिजेंट के साथ ट्रीट करेंगे तो यहां पर सिल्वर मिर का फॉर्मेशन होता है सो वेदर ऑल दल डी हाइड्स गिव दिल ऑल दल डी हाइड गिवस दस टेस्ट इंक्लूडिंग बेंजल डी हाइड बेंजल डी हाइड क्योंकि एरोमेटिक है थोड़ा सा और अलग प्रॉपर्टी देता है तो बेंजल डिहाइड भी टॉलेंस टेस्ट देता है नॉट ओनली द एल डी हाइड्स बट ऑल्सो द मेथनोइक एसिड गिव्स द टॉलेंस टेस्ट तो कौन कौन देता है टॉलेंस टेस्ट ऑल एल्डिहाइड्स एंड मेथनोइक एसिड तो जितने भी एल्डिहाइड्स हैं वो तो देते ही देते हैं साथ में मेथनोइक एसिड भी इस टेस्ट को देने के लिए कैपेबल होता है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ़ द टॉलेंस तो क्या सिर्फ टॉलेंस ही टेस्ट है जो एल की टेस्टिंग के लिए यूज होता है कि इसके अलावा भी कोई है श्योरली इसके अलावा भी हैं और जो दूसरा टेस्ट है वो भी लगभग इतना ही पॉपुलर है वो भी प्रैक्टिकल और थियोरी दोनों का पार्ट है अब अगर हम इसे कहें कि कैसे एक्सपेरिमेंट कराएंगे तो एक्सपेरिमेंट कराते समय क्या करेंगे आप लेंगे एल आप इसमें डालेंगे टॉलेंस रिजेंट टॉलेंस रिजेंट डाल के आप इसे ले जाके हीट करेंगे हीट थोड़ा प्रॉपर वे में आराम से करिए क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनके बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट वाटर जितने आई नहीं होते उससे कम होते हैं और इसकी वजह से जल्दी से बॉयल करके बम करके बाहर आ सकते हैं तो धीरे धीरे गर्म करेंगे एक बार जब प्रॉपरली गर्म हो गया इसे हटा दीजिए थोड़ी देर ठंडा होगा ठंडा होने पर जो सिल्वर बनेगा वो टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ लग जाएगा बिल्कुल कांच जैसा दिखाई पड़ेगा वैसा मिरर दिखाई पड़ेगा जैसा आपके घरों में होता है तो टेस्ट ट्यूब में चाहें तो अपना चेहरा देख सकते हैं अगर प्रॉपर्ली बना है तो या कम से कम इतना तो दिखाई पड़ता ही है कि कांच के चारों तरफ चांदी ही चांदी लगा हुआ है टेस्ट ट्यूब के अंदर चांदी ही चांदी लगा हुआ है इतना भी नहीं कि निकाल के आप लोग करोड़पति हो जाएं लेकिन चांदी रहता है दिखाई पड़ता है दिस इज कॉल्ड द टॉलेंस टेस्ट जो नेक्स्ट टेस्ट हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द एल डी हाइड्स दैट इज द फेहलिंग टेस्ट तो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है फेहलिंग टेस्ट हाँ और फेलिंग टेस्ट के लिए सियोली जैसे टॉलेंस टेस्ट के लिए टॉलेंस रिजेंट की जरूरत पड़ी फेलिंग टेस्ट के लिए फेलिंग रिजेंट की जरूरत पड़ती है तो ये है आपका फेलिंग टेस्ट फेलिंग रिजेंट क्या है फेलिंग रिजेंट दो होते हैं पहला होता है जिसे हम कहते हैं फेलिंग ए और ये होता है कॉपर सल्फेट सी यू एस ओ फोर डॉट फाइव टू हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट या पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जो भी कहें जो भी कॉपर सल्फेट आता है वो इसी फॉर्म में होता ही है ब्लू कलर ही इस वाटर के वजह से होता है और दूसरा होता है दैट इज द बी और ये होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट रिएक्शन कराने के लिए हम क्या करते हैं हम लेते हैं एल्डिहाइड। इसमें इक्वल अमाउंट में फेलिंग ए और फेलिंग बी मिलाते हैं तो फेलिंग ए के साथ जब फेलिंग बी मिलाएंगे तो मेटेरियल थोड़ा डेंसर ब्लू हो जाएगा आपको मालूम है कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है लेकिन इसको डालने के बाद वो ऑलमोस्ट नेवी ब्लू कलर का हो जाएगा अब इस नेवी ब्लू कलर में जब आप देखेंगे हम डालेंगे एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के साथ मिलाएंगे सी यू प्लस टू ये आपका कॉपर सल्फेट को लिखा हुआ है ये एक्चुअली फेहलिंग सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है फेहलिंग सोल्यूशन और जब ऐसा होगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा पिछली बार की तरह क्योंकि आज सीयू प्लस टू इज नॉट अ वेरी स्टेबल सॉल्ट तो बन जाएगा आर सी ओ माइनस और इसका रिडक्शन होगा ये बनाएगा सी यू प्लस वन और ये जो सी यू प्लस वन होता है इसका कलर होता है ब्रिक रेड सो इफ द ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट इज फार्मिंग इट मीन योर कंपाउंड इज एन एल्डिहाइड और अगर ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा यानी कि आपका कंपाउंड एल्डिहाइड की कैटेगरी में नहीं आता है देन दिस वन इज कॉल्ड द फेलिंग टेस्ट क्या यह भी एसिड की, की टेस्टिंग देता है टेस्टिंग ऑफ द मेथनोइक एसिड नाइदर इट गिव्स द टेस्टिंग फॉर पे डिहाइड्स किसके लिए है All aldehydes except benzaldehyde. तो बेंजल डिहाइड को छोड़ के सारे एल्डिहाइड्स के लिए है और मेथनोइक एसिड के लिए नहीं है मेथनोइक एसिड की टेस्टिंग किससे की जा सकती है सिर्फ और सिर्फ टॉलेंस से की जा सकती है ठीक है तो नोट कर लीजिए इसे द नेक्स्ट टेस्ट इज नॉट फॉर द एल्डिहाइड द टेस्ट इज कार्ड टेस्ट जनरली टेस्ट एंड इट इज फॉर द मेथाइल कीटोन है आपका टेस्ट हेलो टेस्ट और यह है फॉदर मिथाइल कीटोन इसी वजह से बहुत सारे लोग इसे मिथाइल कीटोन टेस्ट भी बोलते हैं इस रिएक्शन में बनने वाला बाइप्रोडक्ट हेलोफार्म होता है इस वजह से हेलो टेस्ट बोला जाता है लेकिन नॉर्मली जो हम हेलो बनाते हैं वो आयडोफार्म होता है इसलिए टेस्ट भी बहुत सारी जगहों पे लिखा रहता है रीजन आपको मालूम है क्लोरोफॉर्म बनाने के बाद एक एनेस्थेटिक सब्सटेंस है वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है सेम फॉर द ब्रोमोफॉर्म एनेस्थेटिक तो नहीं है लेकिन वो भी मेडिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है तो आयोडीन जो है आयोडोफार्म जो है वो कम प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है इस वजह से इसी को हम बनाते हैं किसके लिए मेथाइल कीटोन के लिए अब ये मेथाइल कीटोन टर्म ही थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को मेथाइल कीटोन वर्ड आते ही आपके दिमाग में आता है इट इज फॉर ऑनली फॉर द कीटोन्स it is not only for the ketones it is for the ketones it is for the aldehyde it is for the primary and secondary alcohols too to kiske kiske liye ye hai aapka aldehyde ke liye ये है ketone के लिए यह primary alcohol के लिए है और secondary alcohol के लिए भी है ये है आपका एक प्राइमरी सॉरी मेथाइल कीटोन यानी कार्बोनिल कार्बन के बगल में एक मेथिल ग्रुप लगा रहे तो हम इसे कहेंगे मेथाइल कीटोन अगर यही एल्डिहाइड में होगा तो ये है सी एच थ्री सी एच ओ फिर से एक मेथिल ग्रुप लगाए यहाँ पे तो दोनों तरफ लगाए हमें एक तरफ की जरूरत है दोनों तरफ की जरूरत नहीं होती दोनों तरफ भी होगा तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती जब हम इसे ट्रीट करते हैं एन एंड आई से इसी चीज को बहुत बार बुक्स में क्या लिख देते हैं एन ए ओ एच सॉरी एन एन एच और आई टू के रिएक्शन से बनने वाला कंपाउंड जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइपो आयोडाइड तो यहां पे जब यह सोडियम हाइपो आयोडाइड से ये ट्रीट होता है तो क्या बनता है ये बनता है सी एच थ्री सी ओ ओ एन एक्चुअली ऑक्सीडेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है लेकिन बनने वाला कंपाउंड एसिड ना बन के सॉल्ट बनता है क्योंकि बेसिक मीडियम में रिएक्शन चल रहा है और साथ में क्या बनता है साथ में बनता है सी एच आई थ्री आइडोफार्म जो कि येलो कलर का होता है लिक्विड येलो लिक्विड हैविंग फाउल स्मेल अच्छी स्मेल नहीं आती है दे हैव फाउल स्मेल सो दिस इज येलो कंपाउंड येलो लिक्विड हैविंग फाउल स्मेल अगर इसको देखें ये है आपका एथेनल फिर से ये मेथाइल कीटोन की कैटेगरी में आता है और अगर इसे भी हम ट्रीट करें इस बार मैं एन ए ओ आई लिख रहा हूं तब क्या बनेगा एक तो ये टूट गया तो बचा क्या एच सी ओ ओ एन ए इधर से मैंने एच ले लिया एच इधर लिख दिया एच सी ओ ओ एन ए और साथ में क्या बना साथ में वही बनेगा सी एच आई थ्री और इसी सी एच आई थ्री की वजह से बहुत बार हम टेस्ट की जगह इसे टेस्ट के नाम पे भी जानते हैं तो आज के लिए इतना ही अगले दिन हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन दैट मीन्स द रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड रिएक्शन इन अब ऑफ हाइड्रोजन। और स्ट्रेट फॉरवर्ड नाम से बताएं तो हम कल देखने वाले हैं या नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन तो आज के लिए इतना ही थैंक यू एंड हैवे नाइस डे